नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सूरीनाम और साबरिया की पहली राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगी। बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर 4 से 6 जून तक पारामारोबी में रहेंगी। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में 7 से 9 जून तक वो साबरिया की यात्रा पर जाएंगी। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है और 1091 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें, ये जानकारी न्यूज एजेंसी ने रेलवे के हवाले से दी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आज सुबह से ही मौसम सुहाना है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर बिहार और पश्चिम बंगाल में हीटवेव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मिस्र के बॉर्डर पर 3 इजरायली सैनिकों की एक हथियारबंद युवक ने शनिवार सुबह हत्या कर दी। मरने वालों में एक महिला सिपाही भी शामिल है। तीनों का शव तब मिला जब उनसे कांटेक्ट नहीं होने के चलते बाकी पुलिस ऑफिसर उन्हें ढूंढते हुए बॉर्डर वाले इलाके पर पहुंचे। सेना और असम राइफल्स ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर मणिपुर के पहाड़ी और घाटी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 35 हथियार और 88 बम बरामद किए गए हैं। बता दें, मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने ये जानकारी दी है। अमेरिका की रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज भारत पहुंचे। बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्री का ये दूसरा भारत दौरा है। यात्रा के दौरान ऑस्टिन से राजनाथ सिंह की कई नई रक्षा सहयोग परियोजनाओं पर चर्चा होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस आज कन्नूर और कोझिकोड से हज उड़ानों का संचालन शुरू करेगी। बता दें, ये यात्रा 2 चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में ये कोझिकोड से 44 उड़ानें और कन्नूर से जेदा तक 13 उड़ानें संचालित करेगा और 8,236 हज तीर्थयात्रियों को ले जाने की योजना है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले अपने 3 वैज्ञानिकों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा शुरू कर दिया है। बता दें, इन तीनों पर चीन को मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी गुप्त जानकारी देने के आरोप लगे हैं। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।